अयोध्या धाम समिति के द्वारा ग्राम पंचायत कोलावल रायपुर जमीन को समतल सुंदर स्थान बनाया। यह जो जमीन है, ऊपर खाबड़ आप देख ही रहे हैं किस तरीके से पहाड़, मिट्टी, गड्ढे बहुत बड़े बड़े आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ के विद्या धाम समिति जो संस्था है, जिसके संस्थापक राजा भैया हैं, उन्होंने यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार भी दिया। रणवीर सिंह, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह, आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। आज हम बुंदेलखंड के जनपद बांदा के कोलावल गांव में मौजूद हैं, जो कि महुआ ब्लॉक में ही आता है। और यहाँ का जो स्थान हम आपको दिखाने वाले हैं, ये बहुत ही प्राचीन हनुमान मंदिर है। और इनका अभी यहाँ के ग्रामीण उन्होंने मिलजुल करके इस भूमि को समतल बनाया है, ऐसा अभी यहाँ अभी हम बात करेंगे, जो हमें जानकारी देंगे इसके विषय में कि यहाँ पहले ये पूरा उबड़ खाबड़ जमीन था, पूरा यहाँ के स्थानीय निवासियों ने मिलकर और एक संगठन ने, एक संस्था ने मिलकर के इस जमीन को इस तरीके से समतल बनाया। और ये हनुमान जी के जो हम दर्शन कराने वाले हैं अभी, इस मंदिर को अच्छे तरीके से अभी बनाया है। तो हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं इस जगह का क्या महत्व है और ये जगह क्यों फेमस है। और ये कैन नदी के किनारे स्थित है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में कैन नदी का बहुत बड़ा महत्व है। कैन नदी यहाँ की प्रमुख नदी है और इस नदी के किनारे काफी लोग यहाँ पर बालू का भी काम करते हैं। और आप धीरे धीरे देख ही रहे हैं, यहाँ बुंदेलखंड जो पहाड़ों की वजह से भी फेमस था, और धीरे धीरे पहाड़ कम हो रहे हैं। जिस तरीके से बुंदेलखंड में पानी की कमी है और पानी पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, जल पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, आने वाले दिनों में जिस तरीके से पहाड़ों की कटाई हो रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे पहाड़ ढूंढने को नहीं मिलेंगे। तो आइए पता करते हैं, पहले तो आज जो हम आए हैं यहाँ पर, जो महत्वपूर्ण स्थान है ये, इस कोलावल गांव का जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में बात करेंगे, इस जगह के बारे में बात करेंगे। आइए, नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह, मैं हूं हरवीर सिंह, आप तो जानते हैं भारतीय कोने कोने में घूमते रहते हैं और हम जगह जगह की अलग अलग बातें, अलग अलग प्रोग्राम दिखाते रहते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, विद्या धाम समिति के वो राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा पर्यावरण पर काम किया है। जैसा कि आप ये हमारे पीछे पहाड़ पर्वत सभी देख रहे हैं, ये समतल भूमि यहाँ पर उन्होंने बनाया है। और जो गांव से लोग शहर की तरफ प्लान करते थे, भागते थे, दौड़ते थे जो रोजगार के लिए, लेकिन उन्होंने प्रयास किया है कि गांव में ही रोजगार दिया जाए, शहर गांव के लोगों को गांव में भी रोजगार मिले। और पर्यावरण को ठीक करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी इन्होंने की है, बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो देश में काफ़ी नाम है राजा भैया जी का। और ऐसे क्या क्या विशेष काम किए हैं जो ये गांव बांदा से, जिला से लेके पूरे भारत में फेमस हैं, इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे यहाँ के बारे में, इस स्थान के बारे में, और यहाँ काफ़ी लोगों को जो रोजगार दिया है, कैसे दिया, क्या स्कीम है। आपका स्वागत है मीडिया न्यूज़ में। शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो मुहिम छेड़ रखी है पर्यावरण को बचाने के लिए, समाज के लिए अच्छे काम करने के लिए, और अभी आपका क्या पीछे जो रहा है, जो आप चर्चा में आए। देखिए, जो पर्यावरण का मामला है, ये पूरे देश का संकट है। और पर्यावरण से लोग प्रभावित होते हैं, किसान प्रभावित होते हैं, जमीनें प्रभावित होती हैं, तो इससे काफ़ी यहाँ गहरा संकट बढ़ता जा रहा था। ये जो जगह है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है और ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, जहां आप देख रहे हैं कि ऊबड़ खाबड़ जमीनें हैं, बड़े बड़े टीले हैं, और ये जमीन बंजर पड़ी हुई थी, अनुपजाऊ पड़ी हुई थी, यहां कुछ भी नहीं होता था, बलुई मिट्टी थी। तो यहां एकदम बिल्कुल राजस्थान जैसा स्थितियां बन गई थी। और मैं जब गांव में देख रहा था, तो गांव से बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते थे। यहां का जो टेम्परेचर है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ का टेम्परेचर 48 तक पहुँचता था। बगल में केन नदी है, जिसमें अथाह पहले पानी रहता था, लेकिन धीरे 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 वो नदी समापन की ओर जा रही थी, पूरी सूखती चली जा रही थी। तो ये तमाम सारी समस्याएं थी। लोगों का खेती से मोह भंग हो रहा था, क्योंकि वर्षा अनियमित हो गई थी, कभी अतिजल वृष्टि होती थी, कभी सूखा पड़ता था, उससे खेती प्रभावित होती थी। तो खेती किसानी से किसानों का मोह भंग हो रहा था, पलायन बढ़ रहा था, उससे बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही थी, तमाम सारी समस्याएं थी। तो सोचा गया कि कैसे एक मजबूत काम किया जाए और कैसे पर्यावरण को बचाया जाए।
तो पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी। ये जो जमीन पड़ी थी, बंजर जमीन पड़ी थी, उसके लिए ये प्लान किया गया कि कैसे इसमें लोगों को रोजगार दिया जाए और कैसे वृक्षारोपण को यहाँ प्रोत्साहित किया जाए। तो पूरे गांव के साथ में हम लोगों ने प्लान किया था और मैंने ये देखा है इस पूरे काम में, जिस काम में सामुदायिक सहभागिता होती है वो काम बहुत मजबूती के साथ खड़ा होता है। जहां सामुदायिक सहभागिता नहीं होती वहां न तो लोगों का ओनरशिप होता है और न वो काम ज्यादा सक्सेस होते हैं। तो इस पूरे काम में फोकस ये था कि कैसे सामुदायिक सहभागिता के साथ में गांव के पलायन को रोका जाए, पर्यावरण को ठीक किया जाए और लोगों की कृषि कार्य को मजबूत किया जाए। तो इस प्लान के साथ में यहाँ काम किया गया था। तो यहाँ ये जो जमीनें हैं, ये पूरा जो कैंपस देख रहे हैं, लगभग 25 बीघे का ये कैंपस है, जहाँ बड़े बड़े टीले थे, कुछ पैदा नहीं होता था। तो इसको सबको समतल किया गया, पहले गांव के लोगों को तैयार किया गया, उसमें गांव के कुछ लोगों ने श्रमदान किया, श्रमदान करके कुछ जमीन को समतल किया गया। इसके बाद पंचायत के साथ बैठ करके पूरा प्लान तैयार किया गया और पंचायत के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से यहां काम की शुरुआत की गई। तो उससे जितने गांव के जॉब कार्ड धारक थे, जो बाहर पलायन करते थे, जिनको काम नहीं मिलता था, सबको यहाँ रोजगार मिला। हर व्यक्ति को 100 दिन से ज्यादा का काम मिला। और जब ये जो जमीन बेकार पड़ी हुई थी, इसको पूरा समतल किया गया। समतल करने के बाद में यहाँ वृक्षारोपण का काम हुआ। आप देखें, ये लहलहा रहे हैं पेड़, यहाँ से वहां तक सागौन के, अमरूद के, पीपल के, बरगद के, ये सारे पेड़ यहाँ लगाए गए हैं। इसके परिणाम ये हुए हैं कि यहाँ का जल स्तर ऊपर आया है। जहाँ टेम्परेचर यहाँ 48 होता था, इस साल 42-43 में सीमित करके रह गया है। नदी संरक्षित हुई है, नदी में जहाँ धारा जो सूखी पड़ी रहती थी उसमें लगातार जल प्रवाह शुरू हुआ है। यहाँ जो लोग पलायन करते थे, लगभग सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है और जिससे उनके चूल्हे जले हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, उनके बच्चों की शिक्षा बेहतर हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे काम यहाँ किए गए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, लोगों को सामाजिक हेल्प करने के लिए। जो आप ये मुहिम छेड़े हुए हैं, तो इसमें समस्या क्या आती है, क्या आपको लगता है कि और अच्छा होना चाहिए, शासन प्रशासन में कितना सहयोग मिलता है आपको? देखिए, पर्यावरण के तो लगातार जो पर्यावरण बढ़ रहा है उसमें तमाम सारे कारण हैं, लेकिन उन कारणों में न जाकर के हम जो कर सकते हैं कम से कम वो कर सकते हैं। देखिए, पॉलीथीन का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है और वही पॉलीथीन जब जलाई जाती है तो वो धुआं जाता है और उससे भी पर्यावरण प्रभावित होता है। तो यहाँ लोगों को हम लोगों ने जागरूक किया कि पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है, वो एक बड़ी बाधा है। अब वो चूंकि बड़ा आसान हो गया है तो लोग उसी को लेकर के जाते हैं, सब्जी लाते हैं तो पॉलीथीन में लाते हैं, कोई भी सामान है तो पॉलीथीन में लाते हैं। तो एक काम ये है। दूसरा, वृक्षों का कटान बड़े पैमाने पर होता है, जहां जो पेड़ लगे हैं उनको काट दिया जाता है। तो जो पेड़ तैयार नहीं कर पाते हैं, पेड़ तैयारी का कोई काम नहीं है और काटने का काम हम करते हैं, वो काम यहाँ देखें, पहाड़ों में बड़े पैमाने पर माइनिंग हो रही है, उन पहाड़ों में भी बड़े पेड़ रहते थे जहाँ जानवर रहते थे, मोर इस समय बोलती थी। तो अब वो पेड़ एकदम बिल्कुल पहाड़ जो है वो 80-80 फीट नीचे खोद करके उनके पूरे पत्थर निकाल लिए गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से बांदा में, बुंदेलखंड में पानी की किल्लत है, आने वाले दिनों में पहाड़ भी देखने को नहीं मिलेंगे? ये निश्चित रूप से, जिस तरह से पहाड़ों में माइनिंग होती है, जिस तरह से बालू की माइनिंग होती है, ये एक बड़ा गहरा संकट है। आज से जब 15 साल पहले हम देखते हैं थे, वो स्थितियां नहीं थी। एक यहाँ नहरी का पहाड़ है जहाँ पूरे गांव के जानवर सुबह से खोल दिए जाते थे और सब पहाड़ में रहते थे। वहाँ पेड़ थे, पशुओं के लिए चारा था, और जब पशुओं के लिए चारा था तो लोग पशु पालते थे, और जिनके पास पशु थे तो उनको पशुओं की खाद मिलती थी और वो खेती करते थे। लेकिन जब वो पहाड़ पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, पहाड़ समाप्त होने से पेड़ खत्म हो गए, लोगों के पशुओं के रखने के लिए जगह नहीं हो गई, तो पूरे पशु समाप्त कर दिए गए, और जब पशु समाप्त हो गए तो खाद, देसी खाद मिलना बंद हो गई, इसलिए वो जो है सब रासायनिक खादों पर निर्भर हुए। तो ये तमाम सारी चुनौतियां हैं, और अगर इस विषय पर अभी से नहीं सोचा जाएगा, अभी से नहीं काम किया जाएगा, तो आगे आने वाले समय में न तो यहाँ पहाड़ रहेंगे, न नदियां रहेंगी, और बुंदेलखंड में पहले से पानी का गहरा संकट रहा है, तो संकट और बढ़ जाएगा। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां गर्मियों में जब पानी का संकट बढ़ता है तो वहां कोई भी महिला रहने के लिए तैयार नहीं होती, अपने मायके चली जाती है और उनके घर झगड़ा करके चली जाती है। ये नरेनी के पास का एक गांव है, गाल्हा गांव, वहां
अभी इसी वर्ष की घटना है, पति पत्नी का केवल इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ कि पानी नहीं है इसलिए मैं नहीं रहूंगी। पत्नी अपने बच्चों को लेकर के चली गई मायके और वो 3 महीना तक मायके में रही जब तक पानी नहीं बरसा और पति अकेले रहा। तो ये इस तरह के उदाहरण भी आते हैं। तो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया पानी का संकट और बढ़ेगा, और जब पानी का संकट बढ़ेगा तो बर्बादी बढ़ेगी, गांव खाली होंगे, लोग गांव छोड़ करके बाहर जाएंगे, पलायन और बढ़ेगा। जो देख रहे हैं आपको, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील करना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये पूरे देश का मुद्दा है, केवल एक गांव का, एक क्षेत्र का मुद्दा नहीं है। इसमें सबको एक मुहिम चला करके पर्यावरण को बचाने का काम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जहां पहाड़ों में माइनिंग होती है पहाड़ों को बचाना चाहिए। तो इन सारे कामों को जो है सबको लग करके करना चाहिए। आप देखें वर्षा जल है, पानी का जो लगातार संकट बढ़ता जा रहा है, तो वाटर हम दोहन खूब कर रहे हैं, जो जमीन के नीचे का पानी है उसको निकाल रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण का कोई काम नहीं है, वाटर रिचार्जिंग का कोई काम नहीं हो रहा है। तो बरसात का पानी कैसे रोका जाए, खेत का पानी कैसे खेत में रोका जाए, गांव का पानी कैसे गांव में रोका जाए, इस तरह के प्रयास होने चाहिए जिससे ही लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। नहीं, आगे आने वाला जो 10 साल के बाद का जो समय है वो बहुत भयावह दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए राजा भैया जी, शुक्रिया। तो देखा आपने राजा भैया का साफ कहना कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और गांव के लोग गांव में, मतलब गांव में ही रोजगार मिले, इस तरह की कई सारी मुहिम उन्होंने छेड़ रखी है बहुत सारे, और हम इस तरह के कार्यक्रम आगे भी हम दिखाते रहेंगे। मैं अमवीर सिंह, मेरे सहयोगी अरविंद के साथ मीडिया नई सुबह, उत्तर प्रदेश, बांदा।